नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। तो ये एक रिएक्शन वीडियो है। निधि जी का काफी टाइम से काफी ड्रामा चल रहा है, बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है। चलिए, ये इनकी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन ये लोगों को कैसे बेवकूफ बना रही है और कितना ज्यादा झूठ ये लड़की बोलती है, उसकी पोल हम इस वीडियो में खोलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ उनकी अभी की जो वीडियो। दरअसल कुछ देर पहले भाई ने एक वीडियो डाली थी, लगभग 5 घंटे पहले भाई ने एक वीडियो डाली थी। उनके भाई ने, मेरे भाई ने नहीं, तो उनके भाई ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि ऐसी बहन किसी को ना दे। हालांकि अगर आप वीडियो देखे तो उसमें बहुत चीजें घुमा फिरा के बोली गई थी, और इन द शॉर्ट कहें मतलब शॉर्ट में बोलू तो वो वीडियो एक प्रमोशनल वीडियो थी जिसमें व्यूज बटोरने के लिए, क्योंकि प्रमोशन वीडियो में अगर व्यूज नहीं आते तो वो प्रमोशन छीन लेते हैं बकायदा। तो इस वजह से वो टाइटल डाला गया और वो वीडियो डाली गई बकायदा दिखाने के लिए कि भाई ऐसा है। तो लोगों ने सोचा अब निधि की बुराई कर रहा है और कूदते हुए वहां पे गए, तो ऐसा हुआ। लेकिन उस चीज का फायदा निधि दीदी ने भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से उठाया। निधि ने वहां पर एक वीडियो बनाई, अभी जो उनकी वीडियो आई है शुरू से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। निधि ने बोला कि मैंने YouTube पर आने के लिए बहुत मेहनत की है, इतने इतने घंटे मैंने काम किए हैं, जब जाके मुझे ये मिला है वो मिला है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, आपने अपनी मेहनत से आपको नहीं मिला है। आपकी स्टार्टिंग आप शायद भूल गए हैं कि आपकी स्टार्टिंग किस तरीके से हुई थी। आपकी स्टार्टिंग में आपने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अपने हस्बैंड की और अपने बेटे की। उसके बाद अभी वो शॉर्ट वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई और बहुत सारे यूट्यूबर के सपोर्ट से आप आज के टाइम में यहाँ पर हो, जिन यूट्यूबर्स को आप पूछती तक नहीं हो, बकायदा उनकी बुराई करती हो, और अगर वो कोई एडवाइस देते हैं तो आप उस चीज को उल्टा लेती हो, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आप आईडी चेंज करके बद्दुआ देनी शुरू कर देती हो। तो ये आपकी असलियत है। आपने मेहनत से यहाँ नहीं पहुंची थी, आपने जो सिंपैथी गेन करने के लिए जो वीडियो डाली थी, सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं, आपने बाद में खुद ये कहा था कि मैंने तो ऐसे ही डाल दी थी, मेरी वीडियो वायरल हो गई। तो आपकी वीडियो इस तरीके से वायरल हुई थी। उसके बाद में आपके इमोशनल ड्रामे चले, कभी आप कुत्ते के लिए अपने रोती थी कि ये हो गया वो हो गया, जिससे कि आपको जो एनिमल लवर थे वो आपकी तरफ खींचे, और आपने ड्रामा किया कि मेरा बेटा था वो, ये था वो था। उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरा तो आपने अपने सास ससुर की और ससुराल वालों की बुराई कर दी। तो इस तरीके से आपका चैनल जो है वो चला है, लोगों ने आपका बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, आपके लिए बहुत वीडियो बनाई है जिसकी वजह से आप लोगों की नजरों में आई है, आपका हैशटैग यूज किया गया जिसकी वजह से आपका जो चैनल है वो रीच पे पहुंचा था। तो आप ये तो मत कहिए कि मैंने मेहनत की थी इस वजह से मेरा चैनल यहाँ पर है। आप जो बल्कि हरकतें कर रही हो, आपके चैनल के आज जो व्यूज हैं, आपके लाखों में सब्सक्राइबर है, 1.5 लाख के करीब होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके वही व्यूज आ रहे हैं कि 10,000, 20,000, और आपको ये सीन क्रिएट करते तो 25,000। तो उसका कारण आप है, यानी कि अपने चैनल को डाउन करने का कारण आपकी घटिया मेहनत, जो आप सोचती रहती है दिन भर भर कि अब ये खुराफात करूं वो खुराफात करूं, कभी मंदिर तोड़ना, कभी भगवान की मूर्ति तोड़ना, कभी किसी को गाली देना, कभी किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, कभी किसी का कुछ करना, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने पड़ोसियों को, सबको गाली देना, तो ये सब आपने जो हरकतें की है इसकी वजह से आपका चैनल बल्कि डाउन गया है। तो आप ये बोलना बंद कर दे कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। बात करते हैं कि आपने कहा कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इसका सपोर्ट करो, उसका सपोर्ट करो, तो दूसरी बात बोली कि आपने बहुत लोगों का प्रमोशन किया। चलो प्रमोशन की बात खोलते हैं। सबसे पहले तो आपने अगर प्रमोशन किया तो अपनी फैमिली का सबसे ज्यादा किया, उसके अलावा बहुत से लोग थे आपको जो बोलते रहते थे कि हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके कॉमेंट बॉक्स हमेशा भरा रहता था, आपने उनका सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा आपने उन लोगों को सपोर्ट किया जो आपके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे। आपको लगता था कि इतने सारे रिएक्शन आते हैं, आप खुद तो रिप्लाई ना दो लेकिन लोग आपके लिए रिप्लाई दे, तो उन लोगों का आप वीडियो शेयर करते थे। हालांकि इसके अलावा भी आपने एक दो लोगों का वीडियो शेयर किया है, लेकिन उसको कुछ ही देर बाद में आपने हटा दिया था। तो ये प्रमोशन नहीं होता, ठीक है? ये प्रमोशन इस तरीके से होता है कि या तो आप उसके साथ कोलैबोरेशन वीडियो बनाए या वीडियो में आप कुछ बोल रहे हैं। आपने अपनी फैमिली का जिस तरीके से प्रमोशन किया कि हर रोज उनकी वीडियो शेयर हो रही है, वो प्रमोशन होता है जो आपने किया है। तो ये तो मत कहिए कि आपने बहुत से लोगों की मदद की है, आप मेहनत से यहाँ पहुंची है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका सही सही जो वो है ना,
वो क्या है। हालांकि मैं ये कहूंगी कि अभी आप काफी मेहनत करती है कि 3-3 वीडियो का आपका टारगेट है कि पूरा करना है, लेकिन जो टारगेट है ना यही आपके चैनल को डाउन कर रहा है, क्योंकि उससे टारगेट को पूरा करने के लिए आप कुछ भी प्रचंड करती है, कुछ भी करती है। और अगर बात करें आपकी शॉर्ट वीडियो की, तो आपने एडवाइस मानी कि भाई शॉर्ट वीडियो में अगर डालनी है तो मिनी ब्लॉग्स डाले, लेकिन उसमें भी आपने कूड़ा कबाड़ा करना शुरू ही कर दिया। वहां भी आप इमोशनल अटैच करने से बाज नहीं आ रहे हैं, वही रोना धोना वही सब, इसलिए कि भाई शॉर्ट वीडियो की जो रीच है वो आपकी वीडियोस से ज्यादा है, शॉर्ट वीडियो की रीच लोगों तक जाए और लोग फिर आपको आके जो है सब्सक्राइब करें या देखें, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से आप सोच रही है। इतना रोना रोएंगी ना तो लोग आपकी वीडियो क्या शॉर्ट वीडियो दोनों ही चीज देखना बंद कर देंगे। तो कभी तो कुछ अलग चीज करो, ये प्रचंड करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा दिखाओ वीडियो में, तो ज्यादा अच्छा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो